नमस्कार दोस्तों, मैं इंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबको मुबारक हो, निफ्टी ने 20,000 का मार्क दिखा दिया है। कल रात जब मैं आप सभी के साथ 11:30-11 बजे वीडियो डाल रहा था, तभी मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी, मेरे को अमेरिका के बाजार में बड़ी तेजी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ बड़ी पॉजिटिव खबर आ जाए, मेरे को बस एक चीज चाहिए कि कुछ नेगेटिव ना हो। मतलब नो नेगेटिव न्यूज इज गुड नेगेटिव सॉरी इज गुड थिंग। बस इतना आप सभी से कहा था कि कोई खराब कोई गलत चीज ना आए, बस इतना काफी है। बाकी भारतीय बाजार ने कल जो लास्ट के आधे घंटे में मूव दिया था वो अपने आप में टेक्निकल लेवल्स पे इतना स्ट्रांग हो गया था, वो भी तब जब आप मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हो। देखिए मंथली एक्सपायरी के पास जब हम पहुंचते हैं ना, तो सारे के सारे या तो कॉल राइटर या पुट राइटर ट्रैपिंग की तरफ फंसते हैं। अब जिन्होंने कल 19,800 की कॉल को जिन्होंने कल 19,800 की कॉल को राइट कर रखा था कल तक, वो शुरू में तो ये सोच रहे थे कि गिर जाएगा क्योंकि मार्केट बीते 10 दिनों में वही रेंज दिखा रहा था, लेकिन जब आखिरी के आधे घंटे में उसने मूव दिया ना, एक सडन मूव, सब ट्रैप हो गए। 19,800, 850 और 19,900 तक की कॉल वाले सब ट्रैप हो गए। अभी 20,000 खड़ा है निफ्टी, तो 19,900 पे भी अगर किसी ने कॉल राइट करी है ना, उसके 100 रुपए कट रहे हैं सीधे सीधे विदाउट प्रीमियम इंट्रेंसिक वैल्यू के। साथ ही साथ इन कॉल की वैल्यू पता है कितनी थी, 10-10, 20-20 रुपए, क्योंकि मार्केट हिल ही नहीं रहा था तो उनकी वैल्यू भी कम थी, तो उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप समझो कि मैंने 10 पॉइंट पे बेची है और 100 पॉइंट पे खड़ी है, तो मेरे पे क्या बीतरी होगी इस समय, आप बस ये सोचो। उसके बाद अभी भी अगर आप देखो तो 20,000 पे आपको मिलेंगे नहीं ऐसे कहने वाले कि बाजार यहां से गिर सकता है। क्यों? क्योंकि आपका डाउ फ्यूचर ठीक है, आपका डाउ जोन्स कल अच्छा बंद हुआ है, आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है, आपके लिए बाजार में आईटी स्टॉक्स तेजी में दिख रहे हैं जो निफ्टी में सेकंड लार्जेस्ट वेटेज रखते हैं, तो फिर यहां से और तेजी कैच कर सकता है, ऐसा डेफिनेटली किसी को लगे या ना लगे, लेकिन जिन्होंने कॉल राइट करी है उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। तो वो क्या करेंगे, बाजार अगर कोई 20-25 पॉइंट नीचे आएगा ना, तो वो कहेंगे ठीक है यार इतना ही लॉस काफी है, बुक करो, वो पोजिशन कट करेंगे, जिसकी वजह से बाजार नीचे नहीं जाने वाला। जो मंदड़िया है, जो गिराना चाहते हैं, वो मार्केट को छोड़ के जाएंगे, तो मंदड़िया तो भाग गए, रह गया तेजी वाला, तो फिर बाजार ऊपर ही आएगा। ये सारी सिचुएशन चलेगी कल तक, कल यानी कि मंथली एक्सपायरी तक। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब अगला लेवल क्या आता है, देखो कल भी कहा था कि भैया 19,850 के पार जैसे ही हम लोग टिकने लगे, समझ लेना 19,950, 20,000 और 20,150 तक के लेवल बन रहे हैं। जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू टिके हुए हैं उन्हें पता है, लास्ट वीक फ्राइडे तक चार ट्रेडिंग सेशन में मैंने एक ही चीज रिपीट करी थी हर वीडियो में, क्योंकि मार्केट में मूव नहीं था, कि बॉलिंजर बैंड पे पूरा स्क्वीज हो गया है निफ्टी, बॉलिंजर बैंड पूरा स्क्वीज हो गया है, इतनी सी रेंज में घूम रहा है, ये फटने को तैयार है ऊपर 20,150 जो कि वहां से 350-400 पॉइंट होता है, और नीचे अगर तोड़ा इसने तो 19,450 जो कि वहां से भी 300-350 पॉइंट होता है, ये लेवल निकल के आ रहे हैं और यही आएंगे। और देख लीजिए आप 20,000 पहुंच गए और 20,150 भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हो, आपका मार्केट बहुत अच्छा प्लेस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निफ्टी तो सुपर दिख रही है, अगर किसी की पोजीशन है तो 20-25 पॉइंट की डिप बेसक आ जाए, उससे ज्यादा नहीं आएगी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि पॉजिटिव मूड माहौल है और आप एक्सपायरी की तरफ पढ़ रहे हो, सबसे इंटरेस्टिंग ये है। सेम चीज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साथ चल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर रहा है, एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो बहुत ही शानदार है। अगर बताऊं मैं आपको तो 1350 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 570 शेयर्स केवल नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इरेडा का आईपीओ भैया उम्मीद से बढ़कर खुलता हुआ दिख रहा है, 70% प्रीमियम इनफैक्ट लिस्ट हो गया है, एग्जैक्टली 70% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है, अभी 10:01 हो रहा है और आईपीओ 54 के लेवल्स पे आया है। अभी यहां से क्या करना है, इन सब के बारे में 11:30 बजे वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। इरेडा के आईपीओ पे 11:30 वीडियो लाऊंगा, एक घंटे आप अपने हिसाब से ट्रेड कर लीजिए, उसके बाद फ्रेश बताएंगे। हाँ एक चीज जरूर है, आईपीओ में अलॉटमेंट आया बहुत लोगों का, एक ही लॉट सबको मिला है, और जिसको मिला है मैं कहूंगा कम से कम अपना मूल निकाल लो, प्रॉफिट वाला छोड़ दो, बाकी कैसे ट्रेड करना है वो नेक्स्ट वीडियो में। आईटी लीड कर रहा है आज मार्केट को, लगभग 1.25% की तेजी है, और टेलीग्राम पे आप सभी के साथ बिरला सॉफ्ट की कॉल कल 606 पे शेयर करी थी 620 के टारगेट के लिए, आज 636 लगाया है,
तो मैंने वहां पे आपको अपडेट दे दिया, बुक योर प्रॉफिट्स, बुक फुल प्रॉफिट लिख दिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको जिन्होंने ली पोजीशन, बढ़िया पैसा बन गया। मैंने हालांकि 1 से 3 महीने के व्यू से दी थी, वो उसने एक ही दिन में टारगेट डन कर दिया, तो ये हमारी किस्मत है और आप समझ सकते हैं कि आशीर्वाद मान लीजिए भगवान का। ऑटो इंडेक्स 0.8% ऊपर, पीएसयू बैंक में भी तेजी है, केवल मीडिया सेक्टर ऐसा है जो लाल निशान में, बाकी सब हरे निशान में है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करिए, अभी निफ्टी पे आ जाऊं तो 43 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसको लीड कर रहा है ऑटो से हीरो मोटोकॉर्प, देन टेक महिंद्रा, देन विप्रो, देन एलटीआई माइंड्री, जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ शेयर किया है बट खरीद नहीं पाए होंगे आप, क्योंकि मैंने 5,000-5,050 के लेवल पे बाइंग बोली है। ये शेयर है जो आपको 6,200-6,400 दिखाएगा, लेकिन बाइंग लेवल अभी तक नहीं आया, अब पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा। विप्रो बढ़िया कर रहा है, 404 पे आता हुआ दिख रहा है। एससीएल टेक और आपका भारतीय एयरटेल 1,000 रुपए के लेवल्स पे दस्तक दे रहा है। सात गिरने वाले शेयर है जहां पे कोल इंडिया, बीपीसीएल दिख रहे हैं आपको। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फिर मॉर्निंग में काफी एक्शन में आए थे, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। लाइक अदानी टोटल क्या, शुरू में 17-18% ऊपर था, अभी 13% ऊपर दिख रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।